हेलो स्प्रिंटर्स। तो आज सुबह सुबह मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था कि आज आपको ज्योग्राफी की 11th क्लास की जो बुक है फंडामेंटल्स वाली फिजिकल ज्योग्राफी की, तो उसमें से आपको क्या करना है, चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 दोनों को पढ़ना है। चैप्टर 2 इवोल्यूशन का चैप्टर था, तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन हम लेकर यहाँ पर आए हैं। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट है, PYQs इससे हमें दिखाई देते हैं कि पूछे गए हैं UPSC के प्रीलिम्स के अंदर। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टेस्ट को। मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने बड़े ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा होगा। अब आपको मुझे क्या बताना है, या तो कमेंट के अंदर आपको अपना स्कोर बताना है कि हमारे नंबर कितने आए। एक क्वेश्चन के ठीक होने के मार्क्स मिलेंगे आपको 2, और माइनस आपके कितने होंगे अगर गलत है तो 0.66। तो नेगेटिव मार्किंग हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी नेगेटिव मार्किंग होती ही है। दूसरी बात, आप अभी अपना या तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और उसमें आपका कौन सा सवाल का क्या आंसर है मेरे बताने से पहले जरा उस आंसर को रखिए, ताकि बाद में आप अपने स्कोर को कैलकुलेट कर पाए। जो आपके सवाल होंगे इस टेस्ट के बाद में, मैं उनके सभी के जवाब देने की बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश करूंगी, तो उस तरफ भी हमारा ध्यान रहेगा। फिलहाल आपको कमेंट में जो भी अपनी राय देनी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो दे दीजिए, क्योंकि एट द एंड इन वीडियो से आप ही का फायदा होने वाला है। अगर आपको कुछ कमी लगे तो वो भी बता दीजिएगा, मैं सुधार करूंगी। और अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है और आप उसमें कुछ और अपडेट करवाना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है विद रेफरेंस टू द बिग बैंग थ्योरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिग बैंग थ्योरी की यहाँ पर बात हो रही है। हम पहले देख लेते हैं कि हमें करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना है। तो हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। स्टार्टिंग की पहली स्टेटमेंट है, ऑल मैटर विच फॉर्म्स द यूनिफॉर्म एग्जिस्टेड इन वन प्लेस एट अ सिंगुलर एटम इन द बिगिनिंग। देखिए, बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो ये माना जा रहा है कि जो भी यूनिवर्स के अंदर मैटर होता था वो कभी समय में शुरुआत में एक ही जगह पर था। आज जितना बड़ा यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है, अलग अलग जगह पे मैटर है, गैलेक्सीज हैं, स्टार हैं, प्लैनेट्स हैं, लेकिन कभी शुरुआत में ये एक ही जगह पर सिंगुलर पॉइंट पे था इस तरीके से। तो ये बात ठीक है, हाँ देखते हैं ठीक है या नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, ये यूनिवर्स इज रफली ऑफ द सेम साइज एट एनी पॉइंट इन टाइम। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि यूनिवर्स जो है, हमारा ब्रह्मांड जो था, वो समय के किसी भी समय पर अगर हम जाके देख ले टाइम में, वो हमेशा सेम साइज का ही होता था। तो ये बड़ा इजी सा सवाल है, आप लोग तब तक इसका आंसर दीजिए, मैं बताती हूँ। ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन माना जाएगा, ऐसे सवाल पूछे गए हैं बिल्कुल PYQ में। अगर हम देखें तो 2008 के पास बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सवाल जो है वो UPSC के द्वारा आस्क किया गया था। तो इसी वजह से हमें जो है थोड़ा नज़रिया अपना इस तरीके से बनाना चाहिए कि हम ईजी सवालों के, फैक्चुअल सवालों के जो वो जवाब अच्छे से दे पाएँ। चलिए, अब आप लोगों ने सभी ने आंसर इसका दे ही दिया होगा, तो आंसर मैं बता देती हूँ। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों होगा, क्योंकि ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है। चलिए इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। क्यों, क्योंकि ऑप्शन बी कह रहा है कि देखिए, एक समय पे हमारा यूनिवर्स का जो साइज है समय के साथ साथ में वो सेम था, लेकिन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जैसे ही यहाँ पर बिग बैंग हुआ, जैसे ही एक स्पार्क हुआ, तो उसमें से क्वार्क्स फॉर्म हुए। क्वार्क्स क्या होते हैं, अब तक हमें पता था कि एटम जो है वो सिंगुलर यूनिट है, यानी कि एटम से छोटा यहाँ पर कुछ नहीं होता। लेकिन जब से रिसर्च हुई तो हमें समझ में आया कि एटम को भी अगर आप डिवाइड करेंगे, अणु को भी आप तोड़ेंगे, तो उसमें आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो एटम के अंदर होते हैं बिल्कुल, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी लेयर बाहर होती है। अब हम देखते हैं कि ये सबसे छोटा होगा, न्यूट्रॉन सबसे छोटा होगा, प्रोटॉन जो होता है वो सबसे छोटा होगा, लेकिन समय के साथ साथ रिसर्चर्स ने बताया कि जब आप इनको भी तोड़ेंगे बहुत छोटी इकाई पे, तो उसमें भी क्वार्क्स हमें मिलेंगे, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। यानी कि अब तक हमें जितना पता है उस हिसाब से जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, क्वार्क्स है। क्या क्वार्क्स को भी तोड़ा जा सकता है, आई डोंट नो। रिसर्चर्स, साइंटिस्ट इस पे लगे हुए हैं, कभी होगा तो हमें पता चलेगा। फिलहाल देखते हैं जब क्वार्क्स बनते हैं उस समय पे क्या था, मिली सेकेंड की भी पावर -32 थी, तब क्वार्क्स की फॉर्मेशन होती है। फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनते हैं 0.11 मिली सेकेंड के ऊपर, और इस समय पे हमारा यूनिवर्स जो था वो एक ग्रेपफ्रूट जितना था, एक बहुत छोटे फल जितना था। आप देख पाएंगे कि बहुत छोटा, एक अंगूर क्या होता है उस जितना ये था। फिर धीरे धीरे, अब आपको पता है कि यूनिवर्स जो है वो काफ़ी ह्यूज साइज़ का है, काफ़ी बड़े साइज़ का। 300 साल बीत जाते हैं तो सबसे पहले लाइट का एटम आता है। लाइट से आप क्या मानते हैं कि लाइट का एटम आया,
जब अर्थ और यूनिवर्स एक्चुअली में बन रहा था, तो हम देखते हैं कि 300 साल के बाद लाइट का एटम आता है। 95% जो हमारा यूनिवर्स होता है वो एक्चुअली में डार्क मैटर होता है। डार्क मैटर यानी कि एक ऐसी चीज़ है हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि वो लाइट के साथ रिएक्ट नहीं करती है, तो इस वजह से हमें नहीं पता कि यूनिवर्स में 95% जो स्पेस है उसके अंदर क्या है। 5% का हमें पता है, क्योंकि ये जो 5% है ये लाइट के साथ में रिएक्ट कर जाता है, और यही लाइट के एटम्स थे जो सबसे पहले 300 साल के बाद यहाँ पर बनते हैं। 3 लाख साल के बाद देखें तो डार्क एजेस इसको बोलते हैं, क्योंकि मैटर यहाँ से बनना शुरू हो जाता है। 300 मिलियन आफ्टर ईयर्स के बाद में ग्रेविटी बनती है, स्टार्स बनते हैं। लगभग आज अगर हम जाते हैं तो देखते हैं आज भी हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, हमारी गैलेक्सीज एक गैलेक्सी से और ज़्यादा दूर जाती जा रही है। तो ये एक्सपेंशन जो है, ये जो फैलाव है ब्रह्मांड का, वो अभी भी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखिए, कभी इतना छोटा यूनिवर्स जो होता था वो आज के समय में इतना ह्यूज हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है। तो स्टेटमेंट 2 क्या थी? रॉन्ग थी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कंसीडर द फॉलोइंग। अब इसमें क्या है, हमें देखना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक दूसरे में कभी पहले एक ही होते थे, जिसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था, वो पेंजिया एक दूसरे में से टूटे हैं और अलग अलग हो गए हैं। कॉन्टिनेंट्स होते क्या है? कॉन्टिनेंट्स होते हैं महाद्वीप। महाद्वीप यानी कि जैसे कि अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरीके से हमने हमारी जो पृथ्वी है पूरी की पूरी उसको 7 महाद्वीपों में बांटा हुआ है, जिसमें से हम ऑब्वियसली नॉर्थ अमेरिका को एक देखेंगे, फिर साउथ अमेरिका को देखेंगे, फिर हम यूरोप को देख पाएंगे, उसके नीचे हम अफ्रीका को देख पाएंगे, उसके बाद हम एशिया को देख पाएंगे, और नीचे ऑस्ट्रेलिया प्लस अंटार्कटिका। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया इनका? 7 हो गया। ये एक दूसरे से बिछड़े हैं, कभी ये एक ही जगह होते थे, अब ये एक दूसरे से बहुत दूर हैं। आपको पता है बीच में ओशंस आते हैं, समुंदर आते हैं, शिपिंग होती है, लेकिन कभी ये समुंदर बीच में नहीं था, बल्कि ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और ये समुंदर इनके चारों तरफ से था। तो ये एक थ्योरी बोलती है, जो कि है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इस थ्योरी के हिसाब से चलते हैं तो हमें समझ में आता है कि कैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इस बात पे बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें मटेरियल जो बाउंड्रीज है साउथ एंड अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की, क्या वो मैच होती है? हाँ, वो बिल्कुल मैच होती है। अगर आप देखेंगे कि हम अगर साउथ अमेरिका को अगर मैं आप लोगों के लिए बना के दिखाऊँ तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है, राइट? सॉरी, ये कुछ गलत ही बन गया, देखिए थोड़ा ध्यान से बनाते हैं। तो ये क्या होता है, साउथ अमेरिका को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये ब्राज़ील का यहाँ पर हम देखेंगे इस तरीके से निकला हुआ, यहाँ पर वेनेजुएला, यहाँ पर अर्जेंटीना, चिले, इस तरीके से हम देख पाते हैं। इधर आते हैं अफ्रीका को, तो अफ्रीका को भी बनाना है तो कैसे बनाना होगा? कुछ इस प्रकार का अफ्रीका हमें दिखाई देता है। तो जब आप इन दोनों को अगर देखेंगे तो क्या ये एक दूसरे के अंदर यहाँ पर फिट नहीं हो जा रहे हैं? फिट हो जा रहे हैं, इसी वजह से क्या बोल रहे हैं कि मैच होते हैं। कुछ पहाड़ हैं अफ्रीका और ब्राज़ीलियन कोस्ट के, वो भी सेम एज के हैं। पहाड़ बनते कैसे हैं? जब दो प्लेट जो हैं वो एक दूसरे के साथ में आती हैं और टकरा जाती हैं, जिसको हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो कन्वर्जेंस के टाइम पे क्या होता है, जो भारी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है और जो हल्की होती है वो ऊपर आ जाती है, जिस वजह से रॉक्स का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो क्या होगा, ट्रेंच बन जाते हैं। ट्रेंच यानी कि ज़्यादातर ये समुद्रों में हमें दिखाई देते हैं, यानी कि खाई बन जाती है बहुत बड़ी बड़ी, और इन खाई में जब मैग्मा बाहर आता है, मैग्मा यानी कि जो एक उबलता हुआ लावा बाहर आने के बाद जिसको बोला जाता है, तो वो यहाँ पर क्या होता है, सूखने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी छोटे छोटे पहाड़ जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो ये होता है इनका फॉर्मेशन। यानी एक ही समय पे, एक ही उम्र का अगर कोई पहाड़ है तो वो एक ही समय काल पे बना हुआ है, एक ही घटना की वजह से बना होगा, लेकिन वो अफ्रीका में भी है और ब्राज़ील में भी है। ब्राज़ील बिल्कुल कितना दूर है, सेम सिचुएशन कैसे होगी, एक ही समय पे चार चार प्लेटें एक दूसरे के साथ कैसे टकरा गई, तो ये भी एक सवाल है। तो ये भी ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ रॉक्स ऑफ गोल्ड इन गाना रीजन, तो ये भी ठीक है कि हाँ, गाना का जो रीजन है उसके अंदर क्या होता है, हमें सोना के जो रॉक्स है वो मिलते हैं, लेकिन जब हम साउथ अमेरिका के अंदर जाते हैं तो वहाँ की नदियों में भी हमें गोल्ड दिखाई देता है, तो ये भी ठीक है।
और लास्ट में हम फोर्थ देखते हैं जो कि है डिफरेंट पॉलर वॉन्डरिंग पाथ फॉर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑल फोर यहाँ पर क्या होंगे, ठीक हो जाएंगे। एविडेंसेस की बात करें तो रटने की बात यहाँ पर हो जाती है, कुछ मैंने आपको जिस हिसाब से समझाया वैसे आप समझ भी पाते हो, लेकिन रॉक्स जो है उनका यूजुअली ओशंस के बाद में भी सेम एज है। अपेरेंट फिजिकल फीचर्स काफ़ी दिखाई देते हैं कि आप अगर एक कॉन्टिनेंट को दूसरे के अंदर फिक्स करना चाहें तो वो जिगजैग पजल की तरह एक दूसरे के साथ में फिक्स हो जाते हैं, इसी वजह से ये भी एक सोर्स की तरह यहाँ काम कर रहा है। बोटेनिकल एविडेंसेस हैं, फॉसिल्स जो हमें मिलते हैं यहाँ पर एनिमल्स के जो कि दबे हुए थे, या फिर जब हम ट्रीज के देखते हैं तो वो भी लगभग सेम स्पीशीज के दिखाई देते हैं, जबकि आज के समय पे वहाँ पर शायद वो स्पीशीज हैं भी नहीं, ये भी एविडेंसेस हैं। प्लेसर डिपॉजिट हमारे पास फिर से वही है कि कहीं पर गोल्ड मिल रहा है लेकिन वहाँ पर गोल्ड की माइंस ही नहीं है, जहाँ पर गोल्ड की माइंस है वहाँ पर नदियों से बहता हुआ ऐसा लग रहा है कि वहाँ तक पहुँच गया होगा। फिर हम टेलाइट डिपॉजिट देखते हैं जो कि अगेन रॉक फॉर्मेशन होता है, कि रॉक्स जो बन रही हैं उससे रिलेटेड पॉलर वेंडरिंग यहाँ पर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स फिर से देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके फॉसिल्स जो है वो हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट के ऊपर कोस्टल बाउंड्रीज पे ज़्यादातर हम देख पाते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि ये सब क्या थे, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि विद रेफरेंस टू द सोलर सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग। सबसे पहले तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए, सोलर सिस्टम पता होना चाहिए। तो सोलर सिस्टम हमारा क्या होता है, उसके अंदर कितने प्लैनेट्स हैं, बहुत ईजी है, आज आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा होगा, आई होप आप लोगों को याद होगा क्योंकि हम साथ में रिविजन भी करने वाले हैं आज, तो मैं आप लोगों को डाइग्राम के साथ साथ याद भी दिलवाती हुई सारी चीज़ें चलती जाऊँगी। पॉइंट वन क्या है यहाँ पर बोल रहा है, ऑप्शन वन बोल रहा है कि मर्करी एंड वीनस आर द ओनली प्लेनेट विच डू नॉट हैव एनी नेचुरल सेटेलाइट्स। मर्करी और जो वीनस है वो इकलौते ऐसे प्लैनेट्स हम देख पाते हैं जिनके पास अपनी खुद की कोई नेचुरल सेटेलाइट्स नहीं है। क्या ये ठीक है गलत है, आप लोग मुझे तब तक अंदाज़ा लगाइए, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। दूसरा ऑप्शन पढ़ती हूँ, सैटर्न इज़ ओनली प्लैनेट विच हैज़ रिंग्स अराउंड इट। सैटर्न यानी कि जिसको शनि भी बोला जाता है, वो इकलौता ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जिसके अंदर क्या है, रिंग्स है। थर्ड है यहाँ पे, द एस्ट्रॉयड बेल्ट बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर इज ओनली रीजन विच हाउस ऑल द एस्ट्रॉयड्स इन द सोलर सिस्टम। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में बनी हुई है, उसके अंदर हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर ग्रह हम देखते हैं, उनके सारे एस्ट्रॉयड्स हैं। आपको क्या लगता है इसमें से क्या आंसर होना चाहिए, आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा तो मैं बताती हूँ, करेक्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसका आंसर होगा ओनली ए। ओनली ए क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम होता है उसमें सन होते हैं प्लस साथ में 8 प्लैनेट्स होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम बना है वो लगभग 4.6 बिलियन साल पहले बना था, राइट। हमने अभी अभी कुछ समय पहले टाइम स्केल देखा कि यूनिवर्स कब बन रहा था, उसमें स्टार्स की फॉर्मेशन कब हो रही थी, तो लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ये बनता है अभी से। फिर हम देखते हैं कि एक निबोला था जिसमें से सोलर सिस्टम निकल कर आता है और उसी के कोलैप्स के बाद में क्या होता है, यहाँ पर स्टार्स वगैरह बनते हैं। पहली स्टेटमेंट को देखें तो मर्करी और जो वीनस है ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि वो एक लोते ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास उनकी खुद की कोई नेचुरल सेटेलाइट्स नहीं है। नेचुरल सेटेलाइट्स क्या होती हैं, जैसे मून्स होते हैं जो ऑर्बिट करते हैं आपके आस पास में, उसको सैटेलाइट बोला जाता है। तो वो वीनस के पास नहीं है और मरकरी के पास नहीं है, दोनों में से। अब मरकरी तो वैसे याद रख लीजिए कि सन के बहुत नज़दीक है, सबसे नज़दीक है, तो कोई हुआ ही नहीं होगा, सन उसको जला दिया होगा। वीनस को ऐसे याद रखिए कि वीनस जो है वो बहुत अर्थ अलाइक होता है, अर्थ की ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है वीनस को। तो ये ट्विन सिस्टर होने के बाद भी वीनस जो है उनके पास कोई भी मून नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मून को मामा बोलते हैं। तो ये जो दोनों बहने हैं अर्थ और वीनस, इनका एक ही भाई है, वो क्या है, मून है, जो कि अर्थ का मून है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि वीनस का खुद का कोई ब्रदर है नहीं, ये आपको याद रखना है। सेकंड हम देखते हैं, सैटर्न इज ओनली प्लैनेट विच हैज रिंग्स। तो ये तो गलत है, जितने भी हमारे गैशियस प्लैनेट है, प्लैनेट्स को अगर आप कैटेगरीज में बांटेंगे तो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं हम। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सन को देखते हैं, सबसे नज़दीक क्या है, मर्करी है, उसके बाद हम देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद में हम देख पाएंगे यहाँ पर वीनस को, थर्ड नंबर पे यहाँ पर आ जाएगी अर्थ, फोर्थ पे आ जाएगा मार्स, इसके बीच में होगी एस्ट्रॉयड यूनिट, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे जुपिटर को देख पाएंगे, फिर सैटर्न को, फिर नेपच्यून
को और फिर लास्ट में यूरेनियस को। तो ये जो सारे के सारे लास्ट के चार हैं यहाँ पर, इनको गैशियस प्लेनेट बोला जाता है। और जितने भी गैशियस प्लेनेट हैं, ये लास्ट वाले क्या हैं, ये बहुत कोल्ड जाइंट है, बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं, बर्फ के गोले हैं नेपच्यून एंड यूरेनियस। और उनके बीच वाले जुपिटर एंड सैटर्न जो है वो गैस के गोले हैं। चारों को ही गैस की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये जो चार हैं इनको बोला जाता है रोकी या फिर इनर प्लेनेट, क्योंकि ये अंदर हैं और ये इनके पास इनकी कोई रिंग नहीं होती है। तो हमारे जो ये पहले वाले चार हैं इनकी कोई खास रिंग नहीं, और जो बाद में चार हैं उनके पास उनकी सभी की रिंग होती है। तो ऑप्शन दो गलत हो जाता है। तीसरे की बात करें तो अगेन वही है कि मार्स और जुपिटर के रीजन में ही कैसे सारे के सारे एस्ट्रॉयड हो सकते हैं। आप लोग खुद सोचिए कि एस्ट्रॉयड की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक डेबरी है, एक टूटा हुआ किसी का भाग यहाँ पर स्पेस में वो घूम रहा है। तो वो तो यहाँ मार्स के पास में भी हो सकता है, मार्स से पहले अर्थ के पास में भी हो सकता है, अर्थ पर एस्ट्रॉयड आ भी जाते हैं, पीछे भी हो सकता है। हाँ, सबसे ज्यादा एस्ट्रॉयड जो होंगे वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में ही मिलेंगे। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अगेन सोलर सिस्टम को हम देख सकते हैं कि ये होती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कि जुपिटर और मार्स के बीच में है। ये चारों प्लैनेट कैसे हैं, चारों के चारों प्लैनेट्स हम यहाँ पर इनर प्लैनेट्स देखेंगे, और ये जो चारों हैं इनको हम देख पाएंगे यहाँ पर गैशियस प्लैनेट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से फिर से हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। द एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विद रिफ्लेक्टेड लाइट। यानी एल्बिडो क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एल्बिडो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करने की किसी में कितनी क्षमता है उसको एल्बिडो बोला जाता है। ये कह रहे हैं कि जो एल्बिडो होता है किसी का भी, वो ये दर्शाता है यहाँ पर कि कितनी विजुअल ब्राइटनेस है जब वो रिफ्लेक्ट कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में। अब हम सेकंड इसी का देखते हैं जो कि है द एल्बिडो ऑफ मर्करी इज मच ग्रेटर देन एल्बिडो ऑफ द अर्थ। तो ये भी क्या लग रहा है आप लोगों को कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। आंसर से देखें तो एक एक स्टेटमेंट करके हम इसको देख सकते हैं। स्टेटमेंट वन को देखें तो एल्बिडो जो होता है वो सच में सनलाइट जो आती है, हमें पता है सन क्या करता है, लाइट डालता है, रिफ्लेक्ट करता है शॉर्ट वेव्स में। यहाँ पर हमारे पास लाइट जो है वो गिरती है सभी के सभी प्लैनेट्स के ऊपर, तो हम देख पाते हैं कि सनलाइट का जो आ रही है और उससे वो रिफ्लेक्ट होकर जब वापस जा रही है एटमोसफेयर के अंदर में, इसको ही रिफ्लेक्शन को एल्बिडो के तरीके से देखा जाता है। सो जब कोई जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है वो फिर ब्राइट दिखेगा, ज़्यादा ब्राइट दिखता है, जैसे कि आइस को आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें क्या है हाई एल्बिडो होता है, तो वो ब्राइटर साइड पे दिखेगी। वाटर के अंदर क्योंकि एल्बिडो जो है वो थोड़ा कम है, जैसे ओशंस वगैरह में हम देखते हैं तो वो थोड़ा डार्कर हमें दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू आइस। तो यहीं से एग्जांपल देखिए, जो भी चीज़ आपको डार्क दिखाई दे रही है उसका सीधा सा मतलब है उसमें एल्बिडो क्या है, कम है, उसकी रिफ्लेक्ट करने की पावर कम है। तो ये ठीक बात है कि हाँ ऐसे ही मापा जाता है। फिर मरकरी का क्या ज़्यादा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है अर्थ से। क्यों गलत है, क्योंकि मरकरी जो है वो क्लोजेस्ट प्लेनेट है सन के, और उसका बहुत ही लो एल्बिडो होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डार्क पोरस रॉक है। पोरस रॉक क्या होती है, पोरस रॉक का मतलब होता है यहाँ पर ऐसी पोरस क्या होता है जो अपने अंदर इन्फिल्ट्रेट करने दे, जो अपने अंदर आने दे किसी चीज़ को, तो पोरसिटी भी इसको बोला जाता है। तो क्योंकि वो बहुत पोरस है उसके अंदर सनलाइट घुस जाती है, इसी वजह से वो काफ़ी कम लाइट को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। अगर मैं आपको नंबर भी बताऊँ तो मैं बता सकती हूँ कि मरकरी का जो एल्बिडो है वो लगभग 0.142 यहाँ पर है, और अर्थ का क्या है 0.367। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत और हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन ए। एल्बिडो अगेन यही है कि कितना अर्थ ऑब्जर्व कर रही है और कितने को रिफ्लेक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें दिखाई देता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के एटमोसफेयर की यहाँ पर बातें चल रही हैं और कह रही है कि आपको बताना है यहाँ पर कि एक्चुअली के अंदर में जो ये स्टेटमेंट है इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है, गलत बताना है आपको, ये ध्यान रखना है। हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, गलत जो यहाँ पर होगा उसकी बात कर रहे हैं, करेक्ट आंसर आपको अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं देना है।
चलिए समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। कह रहा है कि जब प्रेजेंट कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ एटमोसफेयर इज चीफली कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नहीं ये ऐसा, खैर आप लोग बताइएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो स्टेटमेंट गलत दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो 72% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि द अर्ली एटमोसफेयर विद हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स। तो क्या यह बात सही है? आज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इवोल्यूशन हो रहा है, तो उस समय पे जब सूर्य से, सोलर से जो विंड्स आ रही हैं, उनकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा था, जो हाइड्रोजन और हीलियम्स थी वो थोड़े थोड़े दूर जा रहे थे। तो क्या यह ठीक है? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देर वॉज लिटल टू नो ऑक्सीजन इन द अर्ली एटमोसफेयर, ये भी बिल्कुल ठीक है कि लिटल थी, या तो बहुत कम थी या नहीं ही थी, ये हमें दिखाई इसमें बिल्कुल देता है। तो प्रेजेंट ऑक्सीजन की भी अगर हम एटमॉस्फेयर की भी बात करते हैं, तो ये तीनों में से हमें समझ में आता है कि इनकरेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, तो ओनली वन क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। शुरुआत से चलते हैं, तीन फेज हम देखेंगे। एटमॉस्फेयर जब सबसे पहला है, तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और हीलियम है, दो तरीके की गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो एटमॉस्फेयर टू में क्या होता है कि हाइड्रोजन और वाटर बनने लगता है, वाटर वेपर, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और यहाँ पर हम देख पाते हैं नाइट्रोजन और उनको भी, तो ये सारी जो है गैसेस बनना यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। अब फिलहाल हमारा कैसे दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, ओजोन यहाँ पर है, नाइट्रोजन अगेन यहाँ पर है, ऑक्सीजन हमें दिखाई दे रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट का हमें एटमॉस्फेयर दिखाई देता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि विद रेफरेंस टू अर्थ मून कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्थ के मून की यहाँ पर बात की जा रही है, राइट? तो हम मून को यहाँ पर देखेंगे। पहले देखते हैं, द अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड एट द सेम टाइम एज अ सिंगल रोटेटिंग बॉडी। क्या यह सच है कि अर्थ और जो मून है वो एक्चुअली के अंदर में बिल्कुल सेम टाइम पे बना था, एक ही टाइम पे ये एक दूसरे से अलग हुए थे? बताइए जरा इसको। रेगोलिथ इज रेजिडुअल मटेरियल दैट लाइज ओवर ए लेयर सॉलिड बेडरॉक ऑन द मून। यानी रेगोलिथ नाम की एक चीज़ है जो कि क्या है, एक सॉलिड मटेरियल है, बचा हुआ मटेरियल है, रेजिडुअल मटेरियल है, जो कि यहाँ पर मून के ऊपर हमें पाया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो कि है सेलिनियोग्राफी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मून। तो सेलिनियोग्राफी क्या साइंटिफिक स्टडी है मून की, ये सारे के सारे हमें बतानी है। तो हम अगर इस हिसाब से देखें, तो हमें समझ में आता है सबसे पहले ही कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। स्टैटिक का पूरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि आपको आंसर दे के बताना है कि एक्चुअली में कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी गलत है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। डिफ़िकल्ट में क्यों रखेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टैटिक क्वेश्चन की बातें हो रही है, राइट? स्टैटिक की बात हो रही है, तो रेगुलर जो होता है वो एक्चुअली के अंदर में रेजिडुअल मटेरियल होता है, जो कि ये बात बिल्कुल ठीक है। रेगुलिथ का आप लिथ से ही समझ सकते हैं ना, लिथ क्या होता है, रॉक के लिए, पत्थर के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सेलिनियोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मून, ये भी ठीक है। तो करेक्ट हम कह रहे हैं, जो अर्थ जा ऐसा माना जा रहा है कि वो सेम टाइम पे फॉर्म नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि अर्थ पहले फॉर्म हो गई थी, और उसके ऊपर जब एक एस्ट्रॉयड आके टकराता है, तो उस समय के बाद में डेब्रीज बनती हैं, उसके कुछ टूटे हुए भाग से जो अर्थ से अलग हुआ, और उसमें से जब वो इकट्ठी होती है रोटेट करते करते डेब्रीज अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, तब हमारे मून का जन्म होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें करेक्ट क्या है, ओनली टू। ये देखिए कैसे एक एस्ट्रॉयड, कैसे एक इम्पैक्ट होता है अर्थ के ऊपर अर्ली टाइम में, जब मून नहीं था, वो इम्पैक्ट जो है वो बड़ा भारी होता है, डेब्रीज यहाँ पर आ जाती हैं अलग अलग, फिर ये डेब्री कलेक्ट होकर हमारे मून को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गोल्डीलॉक जोन। अब गोल्डीलॉक जोन क्या होता है, एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों ने इसको देखा होगा। तो हम देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट बता रही है गोल्डीलॉक जोन के बारे में, कि इट इज अ हैबिटेबल जोन अराउंड अ स्टार वेयर इट इज नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट। क्या ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है आप लोगों को, बताइएगा मुझे। नेक्स्ट देखते हैं, वीनस एंड मार्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गोल्डीलॉक जोन इन अवर सोलर सिस्टम। तो ठीक है, हम इसको भी समझेंगे ये क्या बोल रहे हैं।
द सेलिस्टियल बॉडीज विद इन द गोल्डिलॉक्स जोन मस्ट हैव एन एटमोसफेयर. जो सेलिस्टियल बॉडी होती है, जो अंतरिक्ष की बॉडीज है, वो जो गोल्डिलॉक के बीच में आती हैं, उनका खुद का एक एटमोसफेयर होना चाहिए. तो इसमें से पूछ रहा है कि करेक्ट ऑप्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है. करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से चले तो ऑप्शन वन को अगर हम देखें तो ये बात बिल्कुल ठीक दिखाई देती है कि यस, जो गोल्डिलॉक जोन होता है वो एक्चुअली के अंदर वही जोन है जिसमें ना तो ज़्यादा गर्मी होती है वोटों को रहने के लिए और ना ही वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है. तो ये तो बिल्कुल सच स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिल्कुल ट्रू ये स्टेटमेंट है फिलहाल के लिए. उसके बाद हम सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या मार्स जो है और वीनस जो है वो भी यहाँ पर इस जोन में आता है. तो नहीं, वीनस और मार्स नहीं आता. मार्स आता है लेकिन वीनस नहीं आ पाता है. क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि वीनस का जो खुद का एटमॉस्फेयर है वो एक्चुअली के अंदर एक्सक्लूड हो चुका है, हट चुका है. और क्यों हट चुका है? ड्यू टू उसी कारणों की वजह से कि सूर्य के थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है, मार्स फ्लेयर्स जब आती हैं तो वो उसको सहन नहीं कर पा रहा है. जब ये नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है. इसके अलावा हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं जो कि है कि इनके पास खुद का एक एटमॉस्फेयर जरूर होना चाहिए. नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें बहुत अच्छे से बता रही है कि इनके पास खुद का एटमॉस्फेयर होना चाहिए. तो ये भी बात सही है, एटमॉस्फेयर होगा तभी तो वहाँ पर हम देख पाएंगे कि बादल जो होंगे वो बनेंगे. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या है, ठीक है. इसी वजह से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होना चाहिए यहाँ पर डी, 1 और 3. नाउ अभी हम देखते हैं कि मर्करी सन के पास से देखते हैं तो कैसे मर्करी सबसे नज़दीक है, फिर वीनस जो है वो भी टू हॉट हो जाता है, उसके बाद जस्ट राइट में अर्थ और मार्स आता है. तो मैंने आप लोगों को बताया कि स्टेटमेंट टू क्यों गलत हो जा रहा था, क्योंकि वीनस जो है वो इसका भाग नहीं है, मार्स इसका पार्ट बनाता है. टू कोल्ड में इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस और नेपच्यून आ जाते हैं और यही एक ऐसा रीजन है जो कि हैबिटेबल है हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर. और इसी वजह से हम देख पाते हैं कि कैसे यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा रीजन है इसी वजह से मार्स के ऊपर भी आप देखें ये एक्सप्लोरेशन होती है कि जीवन वहाँ पर था या नहीं है या अभी उसको बनाया जाता है, क्योंकि ये इस जोन के अंदर आता है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ से हम बढ़ते हैं. देखते हैं, विद रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट. टाइडल फोर्सेस क्या होती हैं, जो कि मून और सन की वजह से जो टाइड्स आते हैं और जो टाइड्स के ऊपर फोर्स लगती है अर्थ के ऊपर, क्या उसकी वजह से हुआ है? हो सकता है पोल फ्लिंग फोर्सेस के, पोल की तरफ हम देखते हैं कि फोर्सेस लगा रहे हैं, और सेंट्रीपेटल फोर्सेस. तो ये जो आंसर होगा इसमें आएगा 1 और 2. ये काफ़ी फैक्चुअल है, इसके अंदर आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा अभी कुछ समझाने की भी फिलहाल में ज़रूरत है. तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं जो कि है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कॉजिंग द सीजन एंड द ईयर. सबसे पहले चेक करना है आपको क्या बोल रहा है, करेक्ट पूछ रहा है. हमें देखना है कि अर्थ जो है वो अपने खुद के एक्सेस पे घूमती रहती है. बिल्कुल ठीक बात है, अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री थोड़ी सी टिल्टेड है और अपने ही एक्सेस पे वो अपने ही, जैसे आप खड़े हो जाओ फिर जहाँ खड़े हैं वहीं पे आप घूमें तो घूम सकते हैं, ठीक है. क्या वो ईस्ट से वेस्ट घूमती है, ये भी ठीक है. और इसके वजह से क्या सीजन और साल बनते हैं, क्योंकि वो अपने एक्सेस पे घूम रही है. अब यहाँ पे आता है डाउट, ये आप अभी सोचिए और बताइए. तब तक हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो कि है, व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन इट्स स्पिन ऑन ए सर्कुलर ऑर्बिट. क्या यह सच है कि सन के जब अराउंड में अर्थ घूमती है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूमती है ऐसे? तो हाँ, ये तो बहुत इजी स्टेटमेंट हमें लगी यहाँ पर. तो अब हम देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है. देखिए, पहली स्टेटमेंट, आप एक जगह पर खड़े हुए हैं, आप अपने जब एक्सेस पे घूम रहे हो तो क्या उससे आपके एक्सेस पे घूमने की वजह से वहाँ पे सीजन में बदलाव आ जाएगा? कोई बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं आएगा, राइट? तो ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्या है, पार्शली इनकरेक्ट है, इसी वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. हमारे जो सीजन में बदलाव आता है वो आता है क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है उस कारण से. देखिए ज़रा इसको समझते हैं, सन है,
जब 21 जून होती है, 20-21 जून, तो हम देखते हैं कि हमारे अर्थ जो नदर्न हेमिस्फेयर खास करके है उसमें क्या होता है, समर सोल्स्टिस आता है, जो ये अपने एक्सेस पे घूमती है ना रोज का, तो उसमें क्या होता है 24 आवर्स के टाइम में उसमें डे में परिवर्तन आता है, यानी कि मॉर्निंग और नाइट होती है, बस ये होता है अपने खुद के एक्सेस पे घूमने का काम। तो ये इसी वजह से मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया, पार्शली इनकरेक्ट इस वजह से किया ताकि आप लोग इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो सकें, और ऐसे ही सवाल क्योंकि यूपीएससी भी जो है वो पूछता है। फिर हम देखते हैं सितंबर 22-23 को यहाँ पर ऑटम हो जाती है, फिर विंटर जो होती है वो 21 दिसंबर को शुरुआत होती है, और 20 और 21 मार्च को हम देखते हैं स्प्रिंग की शुरुआत होती है, और 21 वजह से हो रही है क्योंकि सन के चारों तरफ हमारी अर्थ घूम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन सोलर प्रोमियंस। देखिए सोलर प्रोमियंस की यहाँ पर बात की जा रही है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो यहाँ पर क्या बताती है, सोलर प्रोमियंस को यहाँ पर दिखाती है। हम देखते हैं यहाँ पर कि सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय टेंगलिंग क्रॉसिंग और रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर सन स्पॉट। सन के स्पॉट के पास में जब यहाँ पर कोई सडन से एकदम से डिफरेंस आता है, चीज़ें होती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, सोलर प्रोमियंस बोला जाता है। क्या ये ठीक है? चलिए ज़रा इसको भी आराम से समझेंगे कि ये ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइट इमिटेड बाय द सन इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, लार्ज ब्राइट फीचर्स विच एक्सटेंड्स आउटवर्ड फ्रॉम द सन सरफेस। सन के सरफेस से जो लार्ज ब्राइट फीचर्स होते हैं जो बाहर निकलते हैं बाहर की तरफ में, ये क्या वो है, विजिबल डार्क पैचेज ऑन द सन फोटोस्फेयर। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि क्या होता है, ये तो सन स्पॉट्स होते हैं। तो इसका आंसर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा सी। कैसे होगा, चलिए समझते हैं। इसके लिए आपको सन के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। हमारा सन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है क्योंकि हम अपनी जो नेक्ड आई है उनसे उसको अच्छे से नहीं देख पाते, इसी वजह से यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रही हूँ एज अ डायग्राम के थ्रू। तो देखिए जो सन स्पॉट होते हैं ना वो होते हैं काफ़ी डार्क पैचेस, और प्रोमियंस की हम यहाँ बात करें, ये क्या है कि यहाँ से मेटर है जो कि बाहर निकल रहा है, आउटवर्ड निकल रहा है। फ्लेयर्स का हमें पता है क्या होती है, बहुत बड़े बड़े आग ही इसको आप बोल सकते हैं। कोरोना, सन की जो सबसे बाहर की लेयर और जो हमें अभी दिखाई देती है वही क्या होती है, कोरोना होती है। सन की जो कोरोना होती है उसका टेम्परेचर लगभग यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये जो कोर है इसका टेम्परेचर 60000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। तो सन का एक कोर है जिसके बाहर एक होता है रेडियो एक्टिव जोन, उसके बाहर हम देखते हैं कन्वेंशन जोन को, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं फोटोस्फेयर को, और सबसे लास्ट में क्रोमोस्फेयर, और उसके ऊपर हमें दिखाई देती है लास्ट में कोरोना, जो कि ऐसे लाइटनिंग हमें दिखाई देती है। तो ये है पूरा का पूरा सन का स्ट्रक्चर, और ये है उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि विद रेफरेंस टू अर्थ सैटेलाइट मून, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन कहता है, ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ बिकॉज द मून टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू द रोटेट अराउंड इट्स एक्सेस ऑन एज द टाइम टेकन टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। कहते हैं कि हमें केवल और केवल मून का केवल एक ही साइड दिखाई देती है, और उसका कारण ये है क्योंकि कितनी देर में मून जो है वो अपने खुद के एक्सेस पे घूमता है उतनी ही देर में वो अर्थ के साथ भी घूम जाता है। तो कितना टोटल टाइम लगता है, 29 डेज के अराउंड यहाँ पर टाइम जो है वो मून लेता है। ड्यू टू मून ग्रेविटी द रोटेशन स्पीड ऑफ अर्थ इज डिक्रीजिंग, कि मून की ग्रेविटी की वजह से जो स्पीड की रोटेशन की स्पीड है अर्थ की वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो आप बताइए इसमें से आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है। ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं इसमें जो आंसर होगा वो होगा ओनली वन। क्यों होगा? क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि हमें हमेशा हमारा जो चांद होती है उसके केवल एक ही साइड दिखाई देती है, और उसका कारण यही है क्योंकि वो इतनी ही देर में हमारी जो अर्थ है उसके अराउंड घूमता है और इतनी देर में खुद ब खुद घूमता रहता है। तो क्योंकि स्पीड सेम है इसी वजह से एक ही साइड हमेशा हमें सामने दिखाई देती है। और देखिए क्यों ऐसा कैसे हो सकता है, मून की ग्रेविटी से अर्थ की रोटेशन जो है वो डिक्रीज हो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्थ की खुद की ग्रेविटी इतनी स्ट्रोंग है जो कि मून को अपने पास जोड़े हुए है, मून खुद यहाँ से थोड़ा दूर जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट जो हो जाती है यहाँ पे रोंग हो जाती है।
यही है, देखिए रीजन कैसे हमें हमारा जो सन है वो दिखाई देता है, तो बोथ साइड ये विजिबल साइड है क्योंकि खुद ब खुद भी यहाँ पर मून रोटेट कर रहा है साथ में होते हुए, तो इसी वजह से जो ब्लू का विजिबल साइड है वही हमेशा हमें अर्थ से दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट्स? तो एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमें यहाँ पर समझना है। जरा आराम से समझते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि यहाँ पर पहली स्टेटमेंट कहती है एस्ट्रॉयड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनोइड्स विच वाइल कॉमेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैसेज हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड मार्स वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मर्करी। कॉमेट्स शो ए पर्टिकुलर प्रसिपिटेबल ग्लोइंग टेल वाइल एस्ट्रॉइड डू नॉट। तो देखिए इसमें से हमें करेक्ट बताना है, और करेक्ट बताने में अभी आपको देखना होगा कि स्टेटमेंट थ्री जो है वो तो काफ़ी इजी है, करेक्ट है, ठीक बात है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन तीनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। स्टेटमेंट टू कहती है एस्ट्रॉइड आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड मार्स, जुपिटर और मार्स के बीच में पाते हैं, ये यहाँ तक ये स्टेटमेंट ठीक है। वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मर्करी, तो मर्करी और वीनस के बीच में कॉमेट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही खेल हुआ, क्या हुआ कि पार्शली इतनी स्टेटमेंट ठीक है इतनी गलत हो जाती है। तो टू तो नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, तो अब क्या रह गया, 50-50 रह जाता है कि इनमें से कोई एक है। पहली क्या कह रही है, एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनोइड्स वाइल कॉमेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैस रॉक एंड मेटेलिक मटेरियल, तो बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये भी दिया हुआ कि कॉमेट्स जो होते हैं वो आइस से बने होते हैं, बर्फ से बने हुए होते हैं, इनकी खुद की एक टेल भी होती है जब ये चलते हैं, और इनमें वाटर डस्ट और अलग अलग गैस भी हमें दिखाई देती है। एस्ट्रॉइड की बात करें तो ये रॉक से बने होते हैं, इसमें मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक दोनों ही मिनरल्स हमें मिल जाते हैं। सन जो होते हैं मेटल एक्चुअली में मिल जाते हैं, यूजुअली एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर ही मिलेंगे जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में होगी। फिर मेट्रॉइड को समझे तो ये एक रॉक है जो कि एस्ट्रॉइड्स का फ्रेगमेंट होती है, मेट्रॉइड मतलब कि एस्ट्रॉइड से ही टूट के बनी होती है, इसको मेट्रॉइड के नाम से जाना जाता है क्योंकि जैसे ही ये हमारे एटमोस्फेयर में आएगी तो उसी समय पे ये मेट्रोइड कहलाएगी। मिटियोर क्या होंगे, जब ये मेट्रोइड एटमॉस्फेयर में आती है और जैसे ही ये आगे बढ़ती है मेसोस्फेयर की तरफ, वैसे ही ये क्या होने लग जाती है, एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से जलना शुरू कर देती है, और उसी वजह से ये कुछ इस तरीके से जलती हुई दिखाई देती है, इनकी टेल होती है। इसी को शूटिंग स्टार यानी कि टूटता हुआ तारा भी बोला जाता है, और इसी के यहाँ पर जब ये एटमॉस्फेयर में जलना शुरू हो जाती है तो मिटियोर के नाम से जानी जाती है। फिर लास्ट में हम देखते हैं फायरबॉल को, फायरबॉल हम देखते हैं कि कैसे जब ये बहुत स्पीड से आगे बढ़ती रहती है, लाइट का स्ट्राइक निकलता है, फायर हमें दिखाई देती है, तो मेट्योर जो बहुत स्पीड से बर्न हो रहे हैं उसी को फायरबॉल बोल दिया जाता है। मेट्रोइड भी होती है जो कि जब एक मेट्योर कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है, और वैसे ही देखिए मोस्टली धरती से कोई भी मेट्रोर टकराने से पहले ही कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा, लेकिन जब वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाता है, पूरे तरीके से जल नहीं पाता है और धरती तक पहुंच जाता है, तो उसको बोला जाता है मेट्योराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑब्जेक्ट, इसमें से बताना है कि कौन से जो पेयर है वो एक दूसरे के साथ में करेक्ट तरीके से मिले हुए हैं। हम देखते हैं कि सिफाइट्स जायंट्स जो होते हैं उनका मतलब है क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन द स्पेस, क्या ये ठीक है? जरा यहाँ पर आराम से आप लोग सोचिए इसके बारे में। तब तक नेक्स्ट देखते हैं कि निबोला स्टार्स की बात चल रही है, निबोला स्टार यहाँ पर क्या बोल रहा है, निबोला स्टार यहाँ पर बोल रहा है विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली, कि जो समय के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा तेज भी होते हैं और कम भी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें तो पल्सर न्यूट्रॉन स्टार दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स, तो इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो आंसर क्या होगा, ओनली ए, क्योंकि इकलौते यही है जो यहाँ पर क्या है मैच कर रहा है। तो कैसे ये हो रहा है, चलिए आराम से समझते हैं। तो जो निबोला होता है वो एक जाइंट गैस वो जो है वो यहाँ पर नहीं होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ओनली वन दिया गया है, तो बिल्कुल इनमें से केवल एक ही है जो यहाँ पर मैच कर रहा है, और वो भी कौन सा मैच कर रहा है, पेयर थ्री, तो न्यूट्रॉन्स जो है वो एक्चुअली में यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे निबोला था एक गैस का गोला था, उसमें से प्रोटोसन बनता है, उसमें से फिर सन बन जाता है, और फिर उसके हिसाब से यहाँ पर सोलर सिस्टम भी बन गया था।
नेक्स्ट काफ़ी इजी सवाल ये है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द अर्थ रेवोल्यूशन। द पेर्जी रेफर्स टू द फारदेस्ट पोजिशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। एपोजी डिनोट्स द क्लोजेस्ट पोजिशन ऑफ द अर्थ थ्रू द सन ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन। यानी कि ये दो स्टेटमेंट है, एक है पेर्जी एक है अपोजी। अपोजी का मतलब है कि जब अर्थ सबसे ज़्यादा दूर होती है, और पेर्जी का मतलब होता है जब अर्थ सन से सूर्य से काफ़ी सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है। तो ये स्टेटमेंट हम देखेंगे कि गलत थी, क्योंकि स्टेटमेंट्स को बदल दिया गया था। पेर्जी को अगर हम देखें तो ये क्या होता है, 357,000 किलोमीटर जब दूर है तो हम पेर्जी को यहाँ पर देख पाते हैं, और जब यहाँ पर अपोजी की सिचुएशन आती है तो उस समय पे अर्थ का और मून का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 406,000 किलोमीटर है। सॉरी, शायद मैंने वहाँ पे सन का इस्तेमाल कर दिया था, तो सन नहीं आएगा, ये मून और अर्थ के बीच का डिफरेंस है। जो सन का होता है वो एक्चुअली में पहलियन होता है, तो वो मैंने शायद गलती से बोल दिया होगा। जब यहाँ पर पेर्जी हम देखते हैं सिचुएशन, तो उस समय पे मून हमारा 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है हमें, और 30% ज़्यादा ब्राइटर होता है। जब हम अपोजी सिचुएशन में होते हैं तो उस समय पे हमें मून को हम माइक्रो मून बोलते हैं, जो कि अगेन वही 14% छोटा दिखाई देगा, 30% कम ब्राइट दिखाई देगा, कम हमें दिखाई देता है। अब ये जो क्वेश्चंस थे वो तो सारे ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, क्योंकि आप लोगों ने आज इवोल्यूशन ही पढ़ा है। तो देखते हैं कि हेडियन जो यहाँ पर है, ये एक हम जब टाइम स्केल को बांटेंगे तो हम कैसे इयोन्स में, एपोक में, और पीरियड्स में, और इराज में जो है उसमें टाइम स्केल को बांट पाते हैं यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि कैसे लगभग 4,540 मिलियन ईयर एगो अर्थ जो है हमारी बनती है, उसके बाद में आर्कियन के समय पे यहाँ पर क्या होता है, अर्थ का जो क्रस्ट है वो कूल हो जाता है, और उसके अंदर जो है लाइफ वो धीरे धीरे फॉर्म करना शुरू करती है। लगभग 2,500 मिलियन ईयर अगे सबसे पहले जब प्रोटोजोइक जो यहाँ पर एपोक चल रहा था, उसके अंदर हम देखते हैं कि बैक्टीरिया, एल्गई एंड जेलीफिश सबसे पहले जन्म लेती हैं। 500 से 550 मिलियन के बीच में कैम्बीरियन यहाँ पर हम पीरियड को देख पाते हैं, जिसके अंदर एंटीवर्ट एनिमल हमें दिखाई देते हैं। 450 मिलियन से पहले फिर हम ऑर्डोवोइन को देख पाते हैं, जिसमें अर्ली बोनी फिश दिखाई देती है। उसके बाद सिलूरियन आती है, जिसमें हमारे जो लैंड एनिमल्स हैं वो हमें सबसे पहले आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कैसे ओनियन पीरियड, जो कि एज ऑफ फिशेज मानी जाती है, इसमें पहले एम्फीबियन आते हैं, यानी जो पानी और लैंड दोनों पे जिंदा रह सकते हैं। मिसिसिपियन यहाँ पर हम देखते हैं, कार्बोफोनस ये एक्चुअली में पीरियड है, तो बहुत आसान है निकालना पैलियोलिथोलिक को, मेसोजोइक को। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं परमीनियन के समय, जहाँ पर हम सबसे पहले रेप्टाइल को देख पाते हैं। टेरासिक यहाँ पर आता है, जुरैसिक यहाँ पर आते हैं, जो कि एज ऑफ बर्ड्स एंड डायनासोर के नाम से जानी जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्रेटोसियस जो पीरियड है उसमें, जहाँ पर हम पहले फर्स्ट प्रीमेट्स को देख पाते हैं, हमसे जो प्राइमेट्स थे। फिर उसके बाद हम टर्शरी पीरियड में आते हैं, जिसमें राइज ऑफ मैमल्स होता है। मैमल्स क्या होते हैं, शतनधारी, जो कि ह्यूमंस वगैरह जो हैं, जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मिल्क पिलाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, शतनधारी या मैमल्स बन जाते हैं। तो एज ऑफ मैमल्स के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि लगभग 50 मिलियन ईयर अगो यहाँ पर होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीनोजाइन इरा जो है उसके अंदर क्वार्टरनरी को, जिसमें राइज ऑफ ह्यूमंस हो रहा था, जिसमें अलग अलग एपोक होते हैं, जिसमें होलोसीन, प्लेस्टोसीन, पाइलोसीन, मायोसीन, ओलिग्योसीन, ईओसीन, पैलियोसीन, ये सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो काफ़ी बड़ा है और बहुत मुश्किल है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद करनी, तो उसी वजह से मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों को ट्रिक बतानी है, अब इसको याद कैसे किया जाए। तो सबसे पहले एरा को याद करेंगे, जिसके लिए हमें एक सेंटेंस को याद रखना है, जो कि है प्लीज़ पे माई चिल्ड्रन, जिसमें प्लीज़ पी पहले पी से बनता है प्री कैम्बेरियन। तो हम देख पाते हैं ये क्या है, प्री कैम्बेरियन यहाँ पर हम देख पाएंगे। फिर पे यानी कि पैलियोजोइक, पैलियोजोइक यहाँ पर है। उसके बाद में माई से एम से बनता है मीजोजोइक यहाँ पर एरा, और सी से बनता है सीनियोजोइक एरा। तो ये चार एरिया जो है इसको हम आराम से समझ सकते हैं। फिर हमें याद करना पीरियड्स को, क्योंकि एरा, पीरियड और एपोक आते हैं। पीरियड्स में देखेंगे तो एक हमने बनाया है, जो कि है कैमल्स ऑफन सीट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक। तो कैमल्स जो होते हैं वो बड़े आराम से बैठते हैं, शायद उनके जो जॉइंट्स हैं, घुटने जो होते हैं, वो क्रैक कर सकते हैं इस वजह से। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कैम्बीरियन को। तो कैम्बीरियन है क्योंकि कैमल्स की सी से बनता है कैम्बीरियन, ऑफन ओ से बनता है ऑर्डोविशियन, एस से बनता है सिलूरियन, डी से बनता है डिव्यूनियन,
केयरफुली किसी से बनता है, कार्बोनोफ्यूरियस पी से बनता है, परमीनियन देयर जॉइंट से बनता है, टी से ट्रेसिक, जी से बनता है जुरैसिक, और सी से बनता है क्रेटेशियस। तो ये क्या है, ये ऐसे हमें याद रखने हैं। एपोक को याद रखना है, पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज हनी। पी से बनता है पेल्यूसीन, ई से बनता है यूसीन, ऑन से ओलिग्योसीन हम यहाँ पर देख पाएंगे, एम से मायोसीन, पी से प्लियोसीन, पी प्ली से फिर प्लिस्टोसीन, एच से होलोसीन। तो ये टर्शरी और क्वार्टरनरी पीरियड है, जिनको हम आराम से अगर आप तीन स्टेटमेंट याद कर लेते हैं तो आपको पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो याद हो जाएगा। दो नंबर आपको ये जो है ये पूरा प्रॉब्लम्स में दिलवा सकता है अगर आप इसको ऐसे याद करेंगे। ईजी ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई दी है। खैर, यहीं पे आज की वीडियो और आज का जो टेस्ट है आप लोगों का वो ख़त्म होता है। अपने कुछ फीडबैक जो भी आपको देने हो कमेंट में दे दीजिएगा। फिलहाल के लिए चलते हैं, कल फिर से मिलेंगे। कल आपको सुबह सुबह फिर से एक नया टारगेट दिया जाएगा, वो आपको पढ़ना है। शाम 8 बजे तक आप आ जाइएगा, आपका टेस्ट होगा और उसके बाद में रिविजन करने के बाद आप बेशक जाकर आराम से सो सकते हैं। तो खैर, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।